Postulates and theorem. This is a mathematics question, in fact. In class 9, 10th, also you have seen. Can anyone tell me the difference in between them? Both. So, may I? Yes, please. It is it is already assumed to be true. And okay. theorem. we have to prove. We have to prove absolutely. Yes. See, postulates does not require a proof, it is a universal true statement. For example, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट हम अगर अर्थ में है तो वी विल सेन बीस राइट सो एक चीज ध्यान रखो पॉस्टूल टू बी प्रूव बिकॉज दे आर द यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट राइट सो right. so, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है को को हम हम अपना base बना के थ्योरम प्रूफ करेंगे। ईस्ट सो डेफिनेटली इट सेट इन दैन इट राइज इन वेस्ट हाउ द स्टार्स एट नाइट दिस इज what आई एम गोइंग टू प्रूव With the help of the postulate, the sun rises in the east. Then what I am doing, I am making proving a theorem. I am creating a theorem by using a postulate by help by taking help from a postulate. So in Boolean algebra, Akshadas, my con please. Yes, sir. Why you are late? Sir was facing some connectivity issue. I don't know what was happening. Sorry, okay, sir. 17 minutes late. Now nah? nearly 15 minutes. So here it is.

अगर एक्स की वैल्यूरिए वैल्यू जीरो नहीं है नॉट इक्वल टू तो डेफिनेटली वॉट इज गोइंग टू बी वन और वाइस वर्सा या फिर एक्स इज नॉट इक्वल टू वन देन एक्स इज इक्वल टू जीरो इट सीम्स टू बी वेरी सिंपल बट रिमेंबर दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू यूज इट इन अवर थियोरम सो दिस इज नंबर वन पॉस्युलेट नंबर टू पॉस्युलेट वॉट वी हैव रेड अबाउट दर ऑपरेटर कि जीरो प्लस जीरो हमेशा जीरो होता है जीरो प्लस वन 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 प्लस जीरो वन, वन वन वन. प्लस इट. दिस इज अगेन पॉस्टुलेट. सिमिलरली एंड का एंड का पॉस्टुलेट है दैट इज द डॉट ऑपरेटर द सेम थिंग जीरो डॉट जीरो जीरो होता है जीरो डॉट वन वन हैलत लिखा है बेटा ये मिसप्रिंट है प्लीज करेक्ट इट दिस इज रॉन्ग

थ्योरम को प्रूफ करेंगे और वो थ्योरम कुछ नहीं है नाइन टेंथ में जो हम थ्योरम पढ़े हैं मैथमेटिक्स के उन्हीं सब थ्योरम में है बस एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आएगा प्लीज रिमेंबर इट हैव यू हर्ड द वर्ड डी मॉर्गन थ्योरम शायद कहीं पे अभी इलेवेंथ में पढ़े होंगे इन मैथ्स ओके मैथ्स वाले ने पढ़ा है तो बायो वाला तो yeah, कीमत हो कि की ये कोई बहुत

दिस बुलियन एलचब्रा पॉस्टूल इज दैट देर इज समिपल ऑफ डुअलिटी इनियन एल जब दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट एक इसके पास एक बहुत अच्छा एक वो है कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड एस प्रिंसिपल ऑफ डुएलिटी वॉट इट मीन बाद में अंदर देखेंगे क्या लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ डुएलिटी इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट विंग अ बुलियन एक्सप्रेशन अगर हमने कोई एक बुलियन एक्सप्रेशन बनाया है ठीक है तो उसपे हम उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पे वॉट एवर बी द एक्सप्रेशन राइट उस एक्सप्रेशन पे हम प्रिंसिपल ऑफ डिटी अप्लाई करके दूसरा एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते वी कैन क्रिएट अन अदर बुलियन एक्सप्रेशन बाई अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ डुएलिटी ठीक है ना यह बुक नहीं है ठीक है so, what is principle of duality? बात को थोड़ा सा समझो अगर हमारे पास एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा बुलियन एक्सप्रेशन ले रहा हूं जो पॉस्टुलेट है कहता है वन प्लस जीरो इजिकल टू क्या होना चाहिए भाई वन प्लस जीरो

ये तीन रूल को फॉलो कर देना अगर कोई एक्सप्रेशन है आपके पास अगर उस एक्सप्रेशन पे प्लस साइन दिया हुआ है तो आपको उसकी जगह क्या लगा देना है मतलब और ऑपरेटर लगा हुआ है तो उसकी जगह क्या लगा देना है एंड लगा देना है ठीक रूल नंबर टू अगर वहां पे कोई एंड ऑपरेटर है तो उसकी जगह क्या लगा देना है और मतलब सिंपल भाषा में बोलू प्लस है तो डॉट लगा देना डॉट है तो प्लस लगा देना दो रूल हो गए तीसरा रूल कह रहा है अगर जीरो है तो उसको वन बना देना और वन है तो जीरो बना देना ठीक चलो लेट right ये तो हमें मालूम है कि बुलियन आ, हमारे ऑपरेटर का एक पोस्टलेट है अब इसको पे प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी अप्लाई करते मेरे पास कितने बच्चे हैं भाई सीएस में ट्वेंटी सेवन से ट्वेंटी एट क्यों हो गए प्राची एक आयुष सही बोला है हाँ एक मिनट रुक जा बेटा मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स इज माई नेम लिस्ट वेर इज माई नेम लिस्ट

डॉट और कोई प्लस या डॉट है नहीं है, two, अगर कोई है तो ओरिजिनल तो नहीं, नहीं एक्सप्रेशन पे, तो पे तो भाई मेरे पास और ही साइन है डॉट तो है नहीं सो दिस इज व्हाट आई विल गेटिंग अब लास्ट रूल क्या कहता है जितने जीरो है उसको वन बना दो वन है उसको जीरो बना दो ये वन है तो इसकी जगह हो जाएगा जीरो ये जीरो है तो जगह हो जाएगा. To, क्या ये, ये एक पॉस्टूलेट yes no? yes, 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 so, yes, को पकड़ा उसमें प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी अप्लाई किया ये तीन रूल और जो चीज मुझे मिली मुझे उसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ये रूल कहता है

so वन प्लस जीरो इज इक्वल्स टू वन अप्रूव्ड है नहीं बट मतलब वो दिस इज स्टेटेड पोस्टुलेट है ना हां दिस इज अ स्टेटेड पोस्टुलेट ऑलराइट दिस इज अ पोस्टुलेट ओके ठीक सो व्हाटएवर यू सी इन दिस बॉक्स इन दिस बॉक्स मींस जस्ट नाउ हियर इट इज एट द टॉप जस्ट नाउ वी हैव वेंट थ्रू दिस दिस दीस आर ऑलरेडी द पोस्टुलेट्स दैट एग्जिस्ट इन बुलियन अलजेब्रा ऑलराइट एंड वी हैव बीन यूजिंग इट हम तो इसे यूज करते आए हैं अभी अभी तक ये ये वाला

जब ये पॉस्टुलेट के कॉन्सेप्ट में एप्लीकेबल है तो इट इज एप्लीकेबल इन एनी एक्सप्रेशन इन एनी बुलियन एक्सप्रेशन नाउ एक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल लेता हूं जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो वन जीरो की बात हो गई ना द एक्सप्रेशन कैन बी इन टर्म्स ऑफ एबीसीन बी ऑफ एनीथिंग इफ आई नो दैट ए प्लस बी ए प्लस b dot c ठीक है ये एक मेरे पास बुलियन एक्सप्रेशन है ऑलरेडी एंड आई हैव प्रूव्ड इट मैंने इसको प्रूव किया है इसका एक ट्रू टेबल वैल्यू निकाल दिया है ऑलरेडी कैन यू मेक अप ट्रू टेबल ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन a plus b hole dot c यस और नो इसका ट्रू टेबल बना सकते हो ना हर कोई कैंडली कंफर्म Yes, sir. Yes, sir. कोई ऐसा yes, yes, को, ईमानदारी yes, से जो बोल दे कि नहीं आता है ईमानदारी से आई वोट शायद क्लास मिस कर गया होगा कोई है ठीक है मैं मैं आयुष नहीं, नहीं, आयुष तेरे पास आ रहा हूँ रुक जाए सही बोला है

सर जैसे दो, a plus b dot c है तो इसका जो जो भी आएगा इसका वैल्यू हाँ, अगर हम कैलकुलेट करें हाँ, तो सर नीचे वाले का भी वही आएगा क्या हाँ, ना, ना 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 ये ये वैल्यू की बात नहीं कर रहा बेटा ये एक एक्सप्रेशन मतलब ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है, है। हाँ ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है देखो इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एक मिनट में अभी थोड़ी देर रुक जाओ तो तुम्हें दिख जाएगा ये चीज ऑलराइट अभी बस पांच मिनट वेट कर लो कि इसका प्रैक्टिकल वर्क कहाँ है

या फिर वाइस वर्षा आप इसको प्रूफ कर दो, तो आपको इसको प्रूफ करने की नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पे करोगे तो ये मिलेगा फायदा दिखा प्रिंसिपल ऑफ डिटी का Yes sir. All right. So, So law 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 states that x plus x x hota hai, aur x dot x x hota hai. Prove prove it. it. If I ask a question in board, in exam ki what is is and prove it. So, you have to write law is this two things. से नहीं होगा और इसमें से आप क्या करोगे अगर आपके पास प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी नहीं रहता तो आप इसको भी prove करते फर्स्ट स्टेटमेंट को भी और second को भी डू यू अग्री

एक है इंडम्पोटेंस लॉ एक है इन्वॉल्यूशन लॉ एक है कॉम्प्लीमेंटरी लॉ ठीक है दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ फिर है एसोसिएटिव लॉ फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी एक थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है पता नहीं तुम्हारे बुक में दिया है कि नहीं आई हैव टू अगर नहीं दिया तो अच्छी बात है एब्जॉपन लॉ फिर उसके बाद है उसके बाद जो आप प्रूफ करने वाले हैं वो है डी मॉर्गन थ्योरम डी मॉर्गन फर्स्ट थियोरम डी मॉर्गन सेकेंड थियोरम चलो बच्चों, अब एक बात बताओ ये डी मोर्गन थियोरम कहता है कि एक बुलियन ये बुलियन एक्सप्रेशन है ना एक बुलियन एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई का होल बार हमेशा बराबर होता है एक्स बार डॉट वाई बार ये हमें प्रूव करना है

ठीक है तो तो इसको तो बाद में but Morgan's का फर्स्ट Random uh, yes, हाँ अब देख ये जो डब्बा हाँ मैंने बनाया ये है मॉर्गन थियोर इसमें तू मैं मान लेता हूँ कि मैंने इसे प्रूव कर दिया इसमें तू प्रिंसिपल ऑफ डिटी अप्लाई कर दो क्या बनेगा बता सकता है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी क्या कहता है जीरो है तो वन बना दो वन है तो जीरो बना दो प्लस है तो डॉट बना दो डॉट है तो प्लस बना दो बस अप्लाई कर दे उस कानून को सर वो मेरे को समझ नहीं आया उतने अच्छे से तो तो, 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 तो माइक बंद करके बैठा हुआ क्यों है यस yes, किसके समझ में आया प्लीज स्विच ऑन योर माइक एंड प्लीज टेल मी यहां पर सर वो x.y x.y हो जाएगा बैठ जा बैठ जा सक्षम बैठ एक बार पक्का कर हमें आई नेम प्लीज सर गुरनीश

ठीक है यहाँ पे डॉट है तो ये बन जाएगा X plus और बार को हम वैसी लगाएंगे यहाँ पे होल का होल है तो होल रहेगा यहाँ पे ये यह हो जाएगा ठीक है तो दिस इज व्हाट इट इज अरिन समझ में आया ओए अरिन माइक ऑन कर देख बेटा अभी अभी प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी अप्लाई किए तो हमने क्या किया ये प्लस था तो डॉट बना दिया डॉट था तो प्लस बना दिया और वेरिएबल वही रखे और बार वैसी रखा जैसा है ओके okay? अब देखो हमने अगर मान लेते कि मैंने डी मॉर्गनस स्वास्थ्योरम को प्रूव कर दिया कैसे भी करके तो मुझसे इसमें प्रिंसिपल ऑफ ड्युलिटी अप्लाई करके ये वाला लॉ मिला और ये लॉ क्या है थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं थोड़ा सा नीचे जाते हैं और हम देखते हैं डी मॉर्गनस सेकंड लॉ दिख रहा है यस yes, सर ये तो वही yes, है यस तो अगर क्वेश्चन आता है

यहाँ पे कई लोगों को मैथमेटिकली जो मेरे पास मैथमेटिक्स के बच्चे नहीं है उनको बड़ा तकलीफ होता है ये कि पुराने लॉ को याद करके पहले एल एच एस लॉ के करो भाई इसीलिए तो मैथ्स छोड़ के बायो लिया है और फिर से वही आ गया तो इसके लिए ये है तुम्हारे लिए प्रिंसिपल ऑफ डिटी है ठीक एक मैथ्स का स्टूडेंट शायद डायरेक्टली प्रूफ कर दे ठीक है उसे फुल नंबर मिलेंगे एक बायो का स्टूडेंट अगर पढ़ के नहीं गया है सेकंड लॉ को फर्स्ट लॉ को रट के गया है फर्स्ट लॉ प्रूफ करो प्रलिटी अप्लाई कर दो काम खत्म हाँ, पर फर्स्ट लॉ को समझना पड़ेगा इसलिए मैं फर्स्ट लॉ अच्छे से समझाऊंगा ठीक है सो दिस इज दिसपन इन दिस पर्टिकुलर थिंग सो ये ड्यू मॉर्ग थ्योरम है वी वर लुकिंग एट कितने सारे थ्योरम पढ़ने हैं और यही शायद आखिरी भी है ओके okay, हाँ ये आखिरी है इसके बाद फिर लॉजिक गेट्स चालू हो जाता है लॉजिक गेट्स के तीन गेट्स छोटे वाले और पढ़ेंगे हमने बेसिक गेट्स पढ़े थे और एंड नॉट अब हम पढ़ेंगे नॉर गेट के बारे में देखेंगे एंड नैंड गेट इनफैक्ट इट इज नैन इनवर्स ऑफ

X. X. TK.